हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इन दो चीजों को अपने बालों में लगा लेंगे तो यकीन मानिएगा, मात्र इन दो चीजों के जरिए आपके बाल तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके बालों की हेयर ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मात्र दो चीजें आपको लेनी है और इनका यूज करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन दोनों चीजों को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है अदरक। अदरक को फ्रेंड्स आप या तो मिक्सी में पीस कर इसका पेस्ट बना लीजिए, या कद्दूकस कर लीजिए, या फिर कूट कर इसका रस निकाल लीजिए थोड़े से पानी की सहायता से, और उसके बाद आपको इसका यूज करना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसका पानी यहाँ पर पहले ही बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसका यूज करते हैं कि आपको कैसे अब इनका तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका यूज किस तरह से करना है। लेकिन इससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं, तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले आपको अदरक का रस निकाल लेना होगा इस तरह से, और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा लेमन रस। आपको फ्रेंड्स इसमें आधे नींबू का रस ऐड करना होगा, या फिर आप 2 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। नींबू का रस ऐड करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा कैस्टर ऑयल को। कैस्टर ऑयल फ्रेंड्स हमारे बालों को तेजी से घना बनाने का कार्य करता है, बालों की जड़ों में नई जान लाता है, जिससे नए बाल तेजी से उगने शुरू हो जाते हैं। मात्र आपको इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करना होगा। कैस्टर ऑयल को ऐड करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा विटामिन ई कैप्सूल। इवोन कंपनी के 400 mg का एक विटामिन ई कैप्सूल आपको इसमें ऐड करना होगा। इस तरह से आप इसमें से एक विटामिन ई कैप्सूल को निकाल लीजिए और इसको एक कोने से कट करके इसके ऑयल को इसमें ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से आप इसमें पूरा ऑयल ऐड कर दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अपनी बालों की जड़ों में लगाइए और बालों की जड़ों की मसाज कीजिएगा। हल्के हाथों से आपको इसे अपनी बालों की जड़ों में लगाना है और 15 मिनट की मसाज अपने बालों की जड़ों में देनी है। इसके बाद आप इसे अपने पूरे बालों में लगाकर बालों को आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिएगा। शैम्पू करने के बाद आपके बालों में से किसी भी तरह की कोई महक नहीं आएगी। और फ्रेंड्स इसके एक ही बार के इस्तेमाल से आप जब कंघी करेंगे तो आपकी कंघी में एक भी बाल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने बालों को तेजी से ग्रोथ देना चाहते हो, घना बनाना चाहते हैं, तो इसका जरूर यूज कीजिए। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए, तो गाइस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।